पेश है कहानी बातूनी लड़की, मुसन्निफ रईस सिद्दीकी। मम्मी तुम्हें पता है क्या, आज राजू स्कूल में आया था। प्रिंसिपल मैम उसको पूरी स्कूल दिखा रही थी। और कौन है राजू? राजू राजू बिल्डिंग का दोस्त है, रोज उसके साथ ही खेलती हूँ मैं। और मीना का आज बर्थडे था। वो छोटा लड़का? हाँ वही। और मुझे टीचर ने स्टूडेंट ऑफ द डे बनाया। प्रिंसिपल मैम ने मेरे से हाथ मिलाया। अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। अरे क्या काम काम काम, दुनिया में बस काम ही चलता है क्या? कभी टाइम पास नहीं चलता। दुनिया से मैं बहुत गुस्सा हूँ। समन, मेरी छोटी बहन समन बड़ी बातूनी है। अभी स्कूल का बस्ता रखा नहीं कि स्कूल का किस्सा शुरू कर दिया। अम्मी झुंझला कर कहती, लड़की तुझे भूख नहीं लगती? अरे बाकी सारी लड़कियों को देखो, सारे बच्चे स्कूल से आते ही खाना 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 करते हैं, और तुम एक हो। चलो जाओ, अभी हाथ पैर धो लो और जल्दी से खाना खाने आओ। अरे तेरी बक 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 सब बाद में, जाओ पहले। समन खाना खाने के लिए बैठ तो गई, मगर क्या मजाल जो खाना खाते वक्त भी उसकी जबान चुप रहती। कोई सुने या ना सुने उसे उसकी परवाह नहीं। कोई सुने या ना सुने उसे इसकी परवाह नहीं, इसका काम तो सिर्फ बोलना है। बोलने से कभी थकती नहीं है, लगातार बोलती रहती है। मुझे बच्चों के लिए कहानी लिखनी थी, पर इसके बोलने की वजह से मैं कहानी लिख ही नहीं पा रहा था। पहले तो मैंने उसे समझाया, समन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे कुछ लिखना है। मगर वो ना मानी, कैंची की तरह बस उसकी जबान चलती ही रही। मैंने फिर उससे कहा, समन अगर तुम आधा घंटा खामोश बैठ जाओ तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा चॉकलेट लाने के लिए। अभी 2 बजा है, तुम्हें 2:30 बजे तक खामोश रहना पड़ेगा। ये तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा। वो मेरी बात मान गई और फौरन कमरे में चली गई। इधर मैं कहानी लिखने बैठा ही था कि लखनऊ से मेरे बड़े भाई रशीद साहब आ गए। वो इस बातूनी लड़की की बातों के बहुत दिलदादा थे, इसलिए आते ही मुझसे कहा, रईस समन कहाँ है? रशीद भाई कमरे में दाखिल हुए तो देखते हैं समन खामोश है। आंखें बंद किए मेज पर सर रख के कुर्सी पर बैठी है। समन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रशीद भाई की आवाज सुनकर समन ने अपना सर उठाया और इशारे से सलाम किया और फिर इशारे से ही बैठने को कहा। रशीद भाई ये देखकर घबरा गए और कुछ चिल्लाते हुए बोले, अम्मी जान, नरगिस आपा, देखिए समन को क्या हो गया है। अरे रईस यहाँ आओ, देखो देखो समन को क्या हो गया है। रशीद भाई की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आकर जमा हो गए। सभी लोग समन की खामोशी को देखकर फिक्रमंद थे कि आखिर उसे हुआ क्या है, खुदा ना खास्ता कहीं गूंगी तो नहीं हो गई। लेकिन मैं एक किनारे पर खड़े रहकर मुस्कुरा रहा था। मेरी मुस्कुराहट देखकर रशीद भाई की आंखें लाल पीली हो रही थी। वो मुझे घूर घूर कर खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। उनका गुस्सा देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई। मैंने फौरन पूरा मामला बयान किया कि सुमन ने आधे घंटे तक मुझसे खामोश रहने का वायदा किया है, पर किसी को भी मेरी इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। समन क्या रईस सही कह रहे हैं? मैं तुम्हें 10 के बदले 100 का नोट दूंगा, ये लो 100 रुपए रखो। इस पर समन मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर 100 का नोट ले लिया, पर कुछ बोली नहीं। इसी खामोशी में वक्त गुजरता रहा और घर वालों की फिक्र बढ़ती रही। अचानक घड़ी ने टन से आधे घंटे का अलार्म बजाया। अलार्म बजना ही था कि तकरीबन चीखती हुई वो रशीद भाई की तरफ लपकी और बोली, भाई जान बुरा मत मानो, मैंने आधे घंटे के लिए खामोश रहने का वादा किया था,
आप ही बताओ, अगर मैं वादा तोड़ देती तो आप मुझे झूठी और वादे खिलाफ बोलते? उसकी समझदारी से खुश होकर अम्मी जान ने उसे ममता भरी निगाहों से देखा और फिर उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा, खुदा तुम्हारे जैसी वादे वफा करने वाली औलाद सबको दे। प्यारे बच्चों और साथियों, वादे की कोई कीमत नहीं होती, वो तो अनमोल होते हैं। तो तुम जब किसी से वादा करो तो उसे पूरा जरूर करना।